हमें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकते ग्राउंड पे तो क्या होता, कि भाई मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल फेंकी होती यू से एंगल थीटा पे, ग्राउंड हमारा स्मूथ होता, ग्राउंड हमारा स्मूथ होता तो क्या होता, ये ऐसे जाता। जब ये ऐसे जाता तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इधर की तरफ थी ux, इधर की तरफ थी uy। जब ये हिट करने वाला होगा, इधर हो जाएगा ux, नीचे हो जाएगा uy। जब ये हिट करेगा तो y एक्सिस में इंपल्स लगेगा, तो इंपल्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1, और x कंपोनेंट ux ही रहेगा, और v सेपरेशन इज ev अप्रोच लगाओगे कॉमन नॉर्मल पे, तो v सेपरेशन हो गया v1 इज e, v अप्रोच हो जाएगा euy। तो जब ये दोबारा कूदेगा तो कितने से कूदेगा, euy से। फिर ये ऐसे गया तो जब ये हिट करने वाला होगा ये हो जाएगा euy, और ये अभी भी ux रहेगा, इंपल्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ux तो फाइनल सेम ही रहेगा, और v सेपरेशन इधर की तरफ कुछ आ जाएगा, v सेपरेशन इज e, v अप्रोच, तो ये कितने से कूदेगा, e स्क्वायर uy। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट टप्पे खाएगा, इनफाइनाइट टप्पे खाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा वो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, पहला हो गया 2 uy by g प्लस 2 euy by g प्लस 2 e स्क्वायर uy by g टिल इंफिनिटी, सो दिस बिकम्स 2 uy by g 1 अपॉन 1 माइनस e। ठीक है गाइस, टोटल रेंज पूछे तो ये वाली रेंज या तो हम सारी रेंजेस का सम करें, पहली रेंज क्या हो जाएगी 2ux uy by g प्लस 2 eux euy by g eux uy by g प्लस 2 ux into e square uy by g and goes on, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 2 ux uy by g 1 upon 1 minus e, ये टोटल रेंज आ गई। या फिर एक और तरीके से सोचने की बात कर रहा हूं मैं, मैंने कहा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर, तो क्या मैं, हाँ क्योंकि टक्कर खा रहा है तब भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जो फोर्स लगी इंपल्स वो y एक्सिस में तो लग रही है, तो एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक mg लग रही है, नॉर्मल बहुत बहुत बड़ा देन mg हो गया, लेकिन x में तो अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूं थ्रू आउट द मोशन x एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो, तो डायरेक्टली नहीं कह सकता कि टोटल रेंज इज ux into total time, सीधा ux into 2 uy by g 1 upon 1 minus e, हो गया। कैसे आया जीपी का फॉर्मूला, नहीं पता, पूछ रहा हूं, नहीं पता तो बता दो भाई, हमारे पास 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब टिल इंफिनिटी इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया इनफाइनाइट जीपी। इसमें कंडीशन होती है आर का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1। एक और भी होता है कि अगर 1 प्लस आर स्क्वायर टिल r की पावर n माइनस 1, अच्छा ये n माइनस 1 दिया है बेटा, तो ये बताओ कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स है क्योंकि यहां की पावर 0 से चालू है, तो ये n टर्म्स है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, अगर मैं कह दूं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी में दिक्कत है, इसमें हम ये कह सकते हैं अगर r की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो हम कहेंगे फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज जीरो, तो फिर ये वाला बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कई बार वो क्या कर देते हैं, इस पूरी टर्म्स को ऐसे नहीं लिखते, वो ऐसे कहते हैं पहली टर्म इज ए, दूसरी टर्म इज ए आर, तीसरी टर्म इज
ए आर स्क्वेयर एंड गोज इन ए आर एन माइनस वन, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए वन माइनस आर एन बाय वन माइनस आर। हाँ जी, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा, और मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पे यू से फेंका गया, तो ये जाएगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल बीटा होगा, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स और वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई, एक्सेलरेशन वुड बी जी डाउनवर्ड्स, तो मैं कहूंगा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये हो जाएगा जी कॉस बीटा, ये हो जाएगा जी साइन बीटा, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, कोई बोले मत, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टू यू वाई बाय ए वाई, ये तो कर दिया हमने वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो करके, हाँ जी, और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, यहां तक भी ठीक है। अब चलो जब ये टक्कर खाने वाला है तब देखते हैं, मैंने कहा जब ये टक्कर खाने वाला है तो एक्स कंपोनेंट तो बढ़ चुका है, एक्स कंपोनेंट तो बढ़ चुका है, वाई कंपोनेंट क्या मैं कह सकता हूं कि यू वाई ही होगा, कैसे सोचा मैंने, मैंने कहा थर्ड इक्वेशन लगा के देखो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में थर्ड इक्वेशन क्या कहेगी, वी वाई स्क्वायर इज यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई वुड बी जीरो, तो वी वाई शुड बी यू वाई, तो जब ये हिट करने वाला होगा तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो ज्यादा हो चुका, वाई कंपोनेंट यू वाई ही हो चुका है, जब ये हिट करेगा इंपल्स लगेगी ऐसे, और फिर मैं कह सकता हूं जस्ट हिट के बाद क्या हो जाएगा, ये यू एक्स ही रहेगा और यहां पर चेंज हो जाएगा। अब वी सेपरेशन इज ई वी अप्रोच लगाओगे कॉमन नॉर्मल पे तो ये हो जाएगा ई यू वाई, तो इसका मतलब जब ये दोबारा रिबाउंड करेगा तो दिस विल बी ई यू वाई, उसके बाद जब ये दोबारा रिबाउंड करेगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर यू वाई, ई क्यूब यू वाई, और ऐसे ऐसे, अज्यूमिंग कि इंक्लाइन प्लेन इज सफिशियंट लॉन्ग, अज्यूमिंग कि इंक्लाइन प्लेन इज सफिशियंट लॉन्ग, कैन आई से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टू यू वाई बाय ए वाई प्लस टू ई यू वाई बाय ए वाई प्लस टू ई स्क्वायर यू वाई बाय ए वाई एंड गोज ऑन, सो दिस बिकम्स टू यू वाई बाय ए वाई वन अपॉन वन माइनस ई, ये हो गया तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रॉब्लम आ जाएगी टोटल रेंज निकालने में, प्रॉब्लम आ जाएगी टोटल रेंज निकालने में, क्या हाँ बोलो, फ्लाइट डालना पड़ेगा, अरे तो पहले एक बार तो रेंज वन निकलेगी, मल्टीपल टाइम मल्टीपल लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा यू एक्स टी वन प्लस हाफ ए एक्स टी वन स्क्वायर, और रेंज टू में दिक्कत आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज हो चुकी है, तो पहले तो लिखोगे यू एक्स प्लस ए एक्स टी वन इंटू टी टू प्लस हाफ ए एक्स टी टू स्क्वायर, थर्ड रेंज में क्या हो जाएगा, आर थ्री इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी वन प्लस टी टू इंटू टी थ्री प्लस हाफ ए एक्स टी थ्री स्क्वायर, यू एक्स तो हो गया था यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, यू वाई इज यू साइन अल्फा प्लस बीटा, ए एक्स ए वाई हमें पता है, ठीक है, ये रेंज टोटल निकालना इज अ हेडेक, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि इतने दौरान एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है, जी साइन बीटा, जब यहां पे था तो भी जी साइन बीटा ही होगी, लेकिन जब ये टक्कर खा रहा है तब भी तो इंपल्स तो वाई एक्सिस में ही लग रही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन अभी भी जी साइन बीटा है, कॉन्स्टेंट है,
तो क्या मैं एक्स एक्सिस में पूरे पे लगा दूं डायरेक्टली कि रेंज टोटल इज यू एक्स इंटू टाइम टोटल प्लस हाफ ए एक्स इंटू टाइम टोटल का स्क्वायर डायरेक्टली. रेंज का ऐसे निकाल निकाल के जीपी बना के सम निकालना कि इज गेटिंग आउट टू बी इम्पॉसिबल. इट वुड बी मच इजियर कि अगर मैं पूरे पे लगा दूं, और पूरे पे लगा सकता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज कॉन्स्टेंट. ये ऑब्वियसली यूएक्स नहीं होगा, ये वीएक्स होगा, और ये वीएक्स हर जगह चेंज होता जा रहा है कि यहां पर वीएक्स यहां से यहां पर एक्स में वेलोसिटी बढ़ गई, फिर यहां से यहां तक एक्स में वेलोसिटी और बढ़ गई, फिर उसमें हम हर एक कोलिजन से पहले वीएक्स अलग होगा. लेकिन ये है कि कोलिजन के दौरान भी एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज कॉन्स्टेंट जी साइन बीटा. तो हम ये कह सकते हैं पूरे मोशन पे लगा दो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस. फॉर एक्स एक्सिस वाई में नहीं लगा सकते, वाई में तो पीस वाइज लगाओगे यहां से यहां तक के में. क्यों? क्योंकि जब टक्कर मारता है तो वाई में एक एक्सेलरेशन और आ जाती है इंपल्स के कारण, जो कि डिफरेंट हो गई. नहीं समझे? इंपल्स के कारण एक तरीके से वाई में एक्सेलरेशन आ गई ना बहुत ज्यादा, जिसके कारण वाई में वेलोसिटी चेंज हो गई एकदम से. हाँ या ना? तो y में तो पीस वाइज लगाओगे थ्री इक्वेशंस, x में थ्रू आउट लगाओगे. गाइस ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है. साथ के साथ लिखते जाओ. इसको फेंका गया u से एंगल थीटा पे, ऐसे जाना चाहिए था. दैट मेक सम सेंस? अब इन्होंने यहां लगा दी दीवार. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या लगा दी? दीवार. दीवार पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e. क्या मैं ये कह सकता हूं ये इनिशियल वेलोसिटी ले लो, उसका x कंपोनेंट ux एंड y कंपोनेंट uy. ux तो हो गया u cos थीटा, uy हो गया u sin थीटा. जब ये यहां पे टक्कर मारने वाला होगा इसकी x एक्सिस में तो वेलोसिटी ux ही होगी, y में कम हो चुकी होगी. कितनी हो चुकी होगी? सपोज vy. अब मैं ये कह सकता हूं टक्कर मारने के दौरान इंपल्स ऐसे लगेगी, नॉर्मल फोर्स तो ऐसी लगेगी. अब मैं कह सकता हूं इसका मतलब टक्कर मारने के जस्ट बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो vy ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? eux, क्योंकि इसके अलोंग v सेपरेशन इज ev अप्रोच लगेगा. v अप्रोच कितना हो जाएगा कॉमन नॉर्मल पे? ux. और v सेपरेशन क्या हो जाएगा? vx ले लो, तो vx इज eux. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब ये टक्कर खा के कूदेगा तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी eux और इधर कितनी होगी? vy. Does that make sense? अब ये ऐसे कूदेगा, हाँ, क्योंकि इधर वेलोसिटी इधर वेलोसिटी. अब ये बताओ थ्रू आउट द मोशन तुम x के अंदर भी पीस वाइज बोलोगे ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट? थ्रू आउट थोड़ी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर अलग से वेलोसिटी कांस्टेंट और फिर इस पे अलग से वेलोसिटी कांस्टेंट, यही तो बोलोगे कि एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी और यहां से यहां तक अलग से वेलोसिटी कांस्टेंट थी. ये बात सही है कि नहीं है? यहां तक यूएक्स थी और फिर इस वाले मोशन में ईयूएक्स थी. अब वाई एक्सिस की सोचो, वाई एक्सिस में क्या मैं कह सकता हूं इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी थी? जी. टक्कर खाने के बाद कितनी थी? जी. अब ये बता दो जरा टक्कर के दौरान y एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या जी थी? सोच के. मैंने कहा टक्कर खाई तो इंपल्स लगी x एक्सिस में, y में तो mg ही लग रहा है. हाँ लग रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते थे वेलोसिटीज पे. हम ये कहते थे छोटे से टाइम में mg का फर्क नहीं आएगा, तभी तो हमने इनिशियली भी vy ली और बाद में भी vy ली. लेकिन टेक्निकली मैं ये कह सकता हूं कि mg तो लग ही रहा है,
तो क्या मैं कह सकता हूं इसके टक्कर के दौरान भी एक्सेलरेशन जी है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन इज जी थ्रू आउट द मोशन, ये कह सकता हूं y एक्सिस में एक्सेलरेशन इज g थ्रू आउट द मोशन इवन ड्यूरिंग कोलिजन, इवन ड्यूरिंग कोलिजन। ये मैं अगर कह सकता हूं तो तुम रियलाइज करो y एक्सिस से हम क्या कैलकुलेट करते थे, हम ये कहते थे यहां से यहां पहुंचने पे y एक्सिस का क्या योगदान होता था, y एक्सिस में कहते थे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता था uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जीरो इक्वल टू uyt माइनस ऑफ gt स्क्वायर बाय 2, अब भी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि थ्रू आउट एक्सेलरेशन g कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहेगा, कितना 2uy बाय g। नॉट ओनली दैट, ये जो मैक्सिमम हाइट होती थी ये भी y एक्सिस से निकलती थी। कैसे निकलती थी? मैक्सिमम हाइट वो होती थी जहां पर vy जीरो होता था, वो भी सेम ही रहेगा। क्यों? जीरो स्क्वायर इज uy स्क्वायर प्लस 2 माइनस g प्लस h, थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट वही रहेगी और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। लेकिन जो ये चीज होती थी ये रेंज कहलाती थी, और जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली और ये वाली, ये रेंज से कम हो जाएगी। रेड वाले का सम इज नॉट रेंज। तुम कहोगे ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कम हो गई। नहीं समझ में आया? किसी के कहीं दिमाग में आ रहा है कि ये ऐसा हुआ है, ये फोल्ड हो गया, वो नहीं हुआ है। फोल्ड के साथ साथ ये कंप्रेस भी हो गया है। कंप्रेस क्यों हो गया? क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कम हो गई है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहा है और मैक्सिमम हाइट वही रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर एक्स वन है और ये डिस्टेंस अगर एक्स टू है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम मैं लिख सकता हूं एक्स वन बाय यू एक्स, यहां से यहां जाने का टाइम एक्स एक्सिस से, और यहां से फिर वापिस आने का टाइम क्या लिख सकता हूं एक्स टू बाय EUX, और उसको ये कह सकता हूं कि दैट इज सेम एज 2UY by G, दैट इज सेम एज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? पक्का? इस क्वेश्चन में X1 प्लस X2 रेंज के बराबर कब होगा? जब E1 होगा। क्वेश्चन ये था जो प्रीवियस ईयर में आया था कि कितने डिस्टेंस x से फेंकूं कि ये जाए टक्कर खाए, ये ऊपर चढ़ रहा था ऐसे ऐसे और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये टक्कर खाया और ऐसे बाउंस होकर वापस हाथ में आ गया। ऐसे हम घर पे खेलते भी हैं। हाँ या ना? x की वैल्यू बता दो। हम कहेंगे भाई u से फेंका था एंगल थीटा पे, तो क्या मैं कह सकता हूं जाने का टाइम हो जाएगा x अपॉन यू एक्स, आने का टाइम हो जाएगा x अपॉन ई यू एक्स, दैट शुड बी 2uy बाय g। हो गया, x इज 2ux uy बाय g इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई। ux को लिख देना u cos theta, uy को लिख देना u sin theta, done, कोई दिक्कत? या और क्वेश्चन कैसे हो सकता है? लेकिन जब इतना करा दिया तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि और भी बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं? इधर एक दीवार लगा दी, इधर एक दीवार लगा दी, यहां पे भी दीवार है, यहां पर भी दीवार है, दीवारों के बीच का सेपरेशन दे दिया डी, दीवारों के बीच का सेपरेशन दे दिया डी, ये दे दिया ई, ये भी दे दिया ई,
और ये कह रहा है यू से फेंका एंगल थीटा पे। अब ये कह रहा है कितनी दूरी एक्स से फेंकूं सच दैट आफ्टर टू कोलिजन्स, आफ्टर टू कोलिजन्स it returns back to original position। वही सिचुएशन में क्या होगा, ये ऐसे गया, दैट्स इट। अब जब ये जाएगा तो x कंपोनेंट क्या रहेगा, ux, टक्कर खाएगा इंपल्स ऐसे, y कंपोनेंट चेंज होता जाएगा, टक्कर खाने के बाद इधर हो जाएगा e ux, फिर ये इधर जाएगा e ux से, y कंपोनेंट फिर चेंज होता रहेगा, फिर जब ये टक्कर खाने से पहले इधर हो जाएगा e ux, v सेपरेशन इज e v अप्रोच, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर ux। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा x अपॉन ux, फिर यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा d अपॉन e ux, फिर यहां से यहां आने का टाइम कितना हो जाएगा d माइनस x अपॉन e स्क्वायर ux। और क्या मैं कह सकता हूं कि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा वो, जो कि चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो जब ये वापस आ गया तो हम कहेंगे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हम कहेंगे u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इवन ड्यूरिंग कोलिजन एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स। सो यू कैन अप्लाई थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन y एक्सिस फॉर द कंप्लीट मोशन। अब कल कोई कह दे दो कोलिजन, अब दो की जगह वो बोलते चार, तो डरना नहीं है, चार भी बोल देगा तो कर लोगे भाई, चार बोले हैं, एक दो तीन चार, एक दो दूसरा तीसरा चौथा हाथ में, तो ये टाइम हो गया x अपॉन ux, फिर ये हो जाएगा d अपॉन e ux, फिर ये हो जाएगा d अपॉन e स्क्वायर ux, फिर d अपॉन e क्यूब ux, फिर d माइनस x अपॉन e 4ux is 2uy by g. We are done. कंसेप्ट थोड़ी चेंज हुआ, बात समझ में आई या नहीं आई? गाइज अनदर क्वेश्चन, ये एक कील है, ये एक रस्सी है, ये मास m है, रस्सी की लेंथ l है और ये डिस्टेंस l by 2 है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब ये कह रहा है फाइंड क्या क्या फाइंड करो, पहली चीज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर जर्क, तीसरी चीज इंपल्स ड्यू टू टेंशन ड्यूरिंग जर्क, चौथा टेंशन जस्ट आफ्टर जर्क। दो अलग अलग चीजें हैं, इंपल्स ड्यूरिंग जर्क, टेंशन जस्ट आफ्टर जर्क, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिफ्थ एंगल
phi till which it rises on other side. On other side. Phi किसके साथ? With vertical. मैंने कई देर पहले कहा था when I was starting this topic कि भाई तीन forces impulsive हो सकती हैं, normal भी, tension भी और friction भी. यहां पर मेरे ख्याल से ये पार्टिकल फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा, अचानक से रस्सी टाइट होएगी, जब टाइट होएगी तो झटका पड़ेगा, झटका पड़ेगा, टेंशन बिकम्स इंपल्सिव. अब ये बताओ कि जर्क कब पड़ेगा? मैं बताऊं, ये फ्री फॉल ऐसे कर रहा है गाइस, ये फ्री फॉल ऐसे कर रहा है, 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 जब तक ये लेंथ एल ना हो जाए, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रस्सी तो एल थी ना, तो जब ये लेंथ एल हो जाएगी, थिंक ओवर इट, ये रस्सी ऐसे ढीली थी, इसकी टोटल लेंथ एल थी, ये ऐसे गिरा 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 गिरा, मासलेस रस्सी है तो उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यहां पे पहुंचा, जब ये रस्सी की लेंथ एल, ये स्लांट लेंथ एल हो गई, तब झटका पड़ेगा. मतलब ये हो जाएगा सिचुएशन कि ये एल हो गया, ये यहां से गिर रहा था, ये एल बाय टू दिया था, मैं ये कह सकता हूं ये एंगल थीटा हो गया, वेयर साइन थीटा इज 1/2, थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, ये लेंथ हो जाएगा √3L/2. पाइथागोरस लगा दो, क्या कर दो? पाइथागोरस लगा दो. हां जी, तो यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी झटका खाने से पहले? √2gh, दैट इज √2g √3L/2. ये हो गया रूट ऑफ √3gl. यहां तक का समझ में आ गया? ये आई थिंक स्टेप वन हो गया, ये आई थिंक स्टेप वन हो गया, वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन, यही तो हो गया वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन. सेकेंड स्टेप, वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर जर्क. देखो यहां पर एक अजम्पशन होती है, जैसे तुम याद करो वेज वाले क्वेश्चंस में एक अजम्पशन थी, क्या थी? वेज नहीं उछलता. वो किसी भी क्वेश्चन में लिखी नहीं हुई थी, लेकिन एक इम्प्लिसिट अजम्पशन चल रही थी हमारी, क्या? कि जब भी हमारा वेज पे बॉल फेंक के मारी थी, वेज को उछलता नहीं मानते. यहां पर इम्प्लिसिट अजम्पशन क्या होती है कि रस्सी एक बार टाइट हो जाती है तो वो एकदम से टाइट होने के बाद दोबारा स्लैक नहीं होती. ये समझा नहीं है कि इसकी, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग नहीं समझे ना, इसका स्लैक नहीं होती. क्या अजम्पशन होती है? After it becomes tight, the string does not slack again. आया नहीं समझ में? इसको यही सोचो कि एक बार जैसे ही जर्क पड़ा, जर्क पड़ा, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में तो ये कहोगे दिस इज योर इंपल्स, दिस इज योर इंपल्स डायग्राम. ये एंगल थीटा हो गया, ये तुम्हारा हो गया इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग जर्क. भाई जब इंपल्स लगती है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और झटका खाने के बाद तुम ये मान लो कि इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी. दोबारा समझाऊं, झटका खाने से पहले उसकी वेलोसिटी होगी √3gl/√, हाँ या ना? उसने कहा कि भाई वो ऐसे आ रहा था, ये अभी ढीली है, अभी जस्ट स्लैक है, ये इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, ये वाला एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट सेम रहेगा. ये बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही झटका पड़ा तो हमने कहा जर्क पड़ेगा इस वाली एक्सिस के अलोंग, क्योंकि टेंशन बिकम्स इंपल्सिव. तो हम ये कह सकते हैं कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा? वी नॉट साइन थीटा. तो वी नॉट साइन थीटा अभी भी सेम है. अब तुम कहोगे इंपल्स के अलोंग तो आ जाएगा कुछ? मैंने कहा हां, इंपल्स के अलोंग कुछ मान लूं अगर v1, तो ये नहीं मानेंगे. v1 को क्या मान लो? जीरो.
क्योंकि तुम अगर V1 को मान लोगे तो इसका मतलब रस्सी फिर से क्या हो गई, स्लैक हो गई, हाँ या ना। रस्सी के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या मान लो, जीरो। यही अजम्पशन हुई ना कि एक बार वो टाइट हुई तो वो दोबारा स्लैक नहीं मानेंगे, तो हम ये कहेंगे भाई इंपल्स के अलोंग वाली वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी और इंपल्स के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। वो सेम कितनी रहेगी, वी नॉट साइन थीटा रहेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं जस्ट आफ्टर जर्क वेलोसिटी हो गई वी नॉट 1/2। तो ये तो आ गया, ये इसका आंसर हो गया रूट ऑफ रूट 3gl, इसका हो गया रूट ऑफ रूट 3gl बाय 2। अच्छा अब ये कहें कि इंपल्स की वैल्यू बताओ, इंपल्स को क्या लिख दो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग दिस लाइन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। कैन आई से इंपल्स इज mv1 कितना माना है, जीरो, तो वो तो जीरो ही मान लिया। ये डायरेक्शन मैंने ले ली पॉजिटिव, दैट इज फाइनल माइनस ऑफ m माइनस v नॉट cos थीटा, ये हो गया m v नॉट cos थीटा, ये तुम्हारी आ गई इंपल्स। v नॉट तुम्हें पता है, cos थीटा तुम्हें पता है, एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। यू आर गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ये दो पार्ट हो गए, ये तीसरा पार्ट भी हो गया। अब तुमने वेलोसिटी ऐसे ही मान ली, इसका मतलब तुमने कौन सा मोशन मान लिया, सर्कुलर मोशन मान लिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी मान ली तुमने, क्या मान लिया, सर्कुलर मोशन मान लिया। तो अब ये सर्कुलर मोशन करेगा, अब ये दूसरी तरफ जाएगा। गाइस तो अब सिचुएशन क्या हुई, ये ऐसे था, इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट साइन थीटा और ये वाला एंगल था थीटा। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए टेंशन निकालो जस्ट आफ्टर जर्क, तो इधर टेंशन लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, ये एंगल थीटा होगा, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंशन माइनस एमजी कॉस थीटा इज एम वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर बाय एल, इससे निकल जाएगा टेंशन जस्ट आफ्टर जर्क और ए टेंजेंशियल हो जाएगा जी साइन थीटा। आई थिंक ये वाला पार्ट भी हो गया। अब ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये यहां से यहां तक जाएगा किसी एंगल तक जहां तक स्पीड कितनी हो जाए, जीरो। हां जी यही था, यहां तक तो ही जाएगा जहां तक स्पीड हो जाए जीरो। अब किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया, किसी बच्चे ने कहा सर देखो यहां से छोड़ा था आपने, यहां पर वेलोसिटी जीरो, यहां तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी ये हुई और फिर वेलोसिटी घटी, तो सबसे शुरुआत से सबसे अंत तक लगा दूं अगर मैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं फाई शुड बी 90 डिग्री। नहीं समझे, उसने कहा यहां से लगाना चालू किया, यहां पर वेलोसिटी जीरो और यहां पर भी वेलोसिटी जीरो, तो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल अंत पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि फाई शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि उसी हाइट तक जाना चाहिए, यहां पर भी वेलोसिटी जीरो थी, कुछ जीपी रहा होगा, वेलोसिटी जीरो है जीपी रहा होगा, तो किसी बच्चे ने कहा यहां से लगाऊंगा बिल्कुल यहां तक, क्या मैं लगा सकता हूं, क्यों बताओ क्यों नहीं लगा सकते, नहीं बताया था मैंने, एक्चुअली कुछ रीजन है क्यों नहीं लगा सकते। तुम देखो पहले ये गिरा तो अभी तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते थे, लॉस इन जीपी गेन इन के, लेकिन जब ये जर्क आया इंपल्स आया टेंशन जब इंपल्सिव हुआ इसके दौरान लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया है, क्योंकि इससे जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और उसके जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। लॉस हुआ या नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी का, तो उस इंपल्स ने एनर्जी खा गया, वो इंपल्स क्या कर गया एनर्जी खा गया, और वो अगर एनर्जी खा गया तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से यहां तक लगा ही नहीं सकते डायरेक्टली, तुम यहां से यहां लगा सकते हो अलग से और बाद में यहां से यहां लगा सकते हो, जस्ट बिफोर और जस्ट बाद वाले पॉइंट के बीच में नहीं लगा सकते। और इसको ऐसा कंसेप्ट समझो ध्यान से,
क्यों? क्योंकि नॉट ओनली टुडे इट विल बी यूजफुल, कल पता चलेगा रोटेशन में क्वेश्चन आएगा. ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है कि भाई एक पहिया चलता हुआ जा रहा है, सामने सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे टक्कर मारेगा और उसके ऊपर चढ़ जाएगा. बच्चे क्या कर रहे होंगे? बेवकूफों की तरह बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल एंड तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. और होगा क्या, जब वो टक्कर खाएगा सीढ़ी पे तब लगेगी इंपल्स, और वो इंपल्स लगेगी तो उस टाइम पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा. इनफैक्ट यहां पर तुम ध्यान से देखो, सोचो अगर, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन माना है तुमने, मैक्सिमम लॉस माना है तुमने, ये माना कि रस्सी के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो गई, ई जीरो वाला केस मान के चल रहे हो तुम. टेक्निकली देखा जाए तो रस्सी पे यहां पर इंपल्स लगा, तुमने कहा भैया इंपल्स के अलोंग फाइनल वेलोसिटी में मान सकता था, लेकिन मैंने कितनी मानी है? जीरो. सो यू आर टेक्निकली अज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू बी जीरो. यू आर अज्यूमिंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से यहां लगा देना, यहां से यहां लगा देना, फॉर गॉड सेक जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मत लगा देना. एज अ कंसेप्ट याद रखना. या नहीं है वो तो इसके अंदर सिचुएशन को सोच के मैं बोल पा रहा हूँ यार ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस है, क्योंकि इंपल्स के अलोंग वाली वेलोसिटी तुमने क्या मान ली है? जीरो मान ली है. यू हैव एक्चुअली अज्यूम्ड दिस टू बी मूविंग अलोंग द सर्कल, टेंजेंट वाली वेलोसिटी ही तुमने मानी है. बाल को समझ में आया? नहीं आया? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब यहां से यहां तक अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या बोलूंगा? और रियली लॉस इन के दैट्स हाफ एम बी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर इज गेन इन जीपी. गेन इन जीपी हो जाएगा, ये वाली हाइट चाहिए ना, एम जी एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस फाई. यहां से फाई निकलेगा. गाइस क्वेश्चन है दिस इज द सिचुएशन, एम आई राइट? ये एक मास m था, ये भी एक मास m था, और ये मास भी m था. ये v नॉट से आके हिट किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो बोला है. हाँ जी, पहले भी एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि रेस्पी मतलब दोनों मासे सेम थे ना, ये मास भी सेम था, ये भी सेम था. और ये आया, जैसे ये आके हिट करेगा तो स्टेप टू ए करना है. स्टेप टू ए क्या कहता है? इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन. तो हमने कहा भाई इसके ऊपर नॉर्मल लगेगी इंपल्सिव, इस पे इधर इंपल्स लगेगी आई वन. और हमें बोलने दो पहले, अपन अपनी महाभारत मत करो. तुमने जो करना थे गुल खिलाने थे वो खिला दिए, ये समझ में आया? इधर आई वन लगा, इस पे आई वन लगा. क्या तुम्हें फील आ रही है कि इसके ऊपर खट से मारूंगा तो ये टेंशन भी इंपल्सिव हो जाएगी, और ये टेंशन यहां पर इंपल्सिव हो जाएगी तो यहां पर भी इंपल्सिव हो जाएगी. अब मैंने स्टेप टू ए बनाया, ये स्टेप टू भी बनाने की कोशिश करी. क्या कोशिश करी? मैंने कहा सिस्टम मान लू, मैंने इसको सिस्टम माना तो इस पे आई टू लग रहा है और इस पे भी आई टू लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल इंपल्स तो लग ही रहा है. तो स्टेप टू भी बनाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ. अब स्टेप थ्री बना रहा हूं मैं. गाइस, अगर मैं स्टेप थ्री में ये कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो था तो ये चिपक गए ना, चिपक गए तो ये मान सकता हूं कि चिपक के ये वेलोसिटी वी वन से नीचे जा रहे हैं. और फिर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वेलोसिटी वी वन से ऊपर जा रहा है? तुम कहोगे इसकी वी वन सेम क्यों मानी? मैंने कहा रस्सी में स्लैकनेस नहीं मानी, तो मैंने ये कहा कि ये नीचे वी वन से गया तो ये ऊपर वी वन से गया. क्या मैं कह सकता हूं फर्दर मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा? नहीं भाई. फर्दर मोशन का मतलब क्या है? फर्दर मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी वी वन हो जाएगी, एंड फर्दर मोशन फिर एक्सेलरेशन ए वाला मोशन हो जाएगा. इसके बाद वाला मोशन जो होगा
वो एक्सेलरेशन ए वाला मोशन हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन कितनी लिख सकते हो तुम, 2mg माइनस mg बाय 3m, दैट इज g बाय 3, तो g बाय 3 एक्सेलरेशन होगी बाद की, हाँ या ना, और उस बाद की एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v1, तो v1 इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फॉर द आगे का मोशन, यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, अब v1 निकालना इज अ हेडेक, भाई तुमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी यूज कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग नहीं रहा, तो क्या लगा सकते हैं, ये तो लगा सकता हूं इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लगा सकता हूं ना, तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल पे लगाऊं, इस पार्टिकल पे लगाऊं, इस पार्टिकल पे लगाऊं, तो क्या कहूंगा, -I1 इज MV1 माइनस MV0, देख के भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, ये डायरेक्शन नेगेटिव मान ली, मैंने कहा इस गोले पे, इस गोले पे ऊपर की तरफ इंपल्स लगा I1, तो मैंने कहा -I1 इस फाइनल मोमेंटम हो गया MV1, इनिशियल मोमेंटम हो गया MV0। अब मैंने इस डब्बे पे बनाया, इस डब्बे पे, किस डब्बे पे, ग्रीन वाले डब्बे पे, ग्रीन वाले डब्बे पे, ग्रीन वाले डब्बे पे क्या बोलूंगा, बताओ क्या बोलोगे, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम लिख के दिखाओ क्या बोलोगे, इस पे इंपल्स क्या लग रही है, ग्रीन वाले पे इंपल्स नेट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इंपल्स नेट बोल के दिखाओ कितनी होगी, I1 माइनस I2, अगर नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव बोलता हूं तो क्या बोलूंगा, I1 माइनस I2 इज MV1 माइनस 0, हां जी बात समझ में आई या नहीं आई, अब इस वाले के लिए बना के दिखाओ, इस वाले के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ V1 आ गई, तो क्या लिखूंगा, I2 इज इक्वल टू MV1 माइनस 0, हां जी समझ में आया नहीं आया, अब ये बता दो इन तीन इक्वेशनों में अननोन कितने हैं, 3 I1 I2 V1 तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, खट 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 खट, MV1 3MV1 माइनस MV0 इज 0, तो V1 आ गया V0 by 3, अब अगर कोई पूछ लेता भाई I1 की वैल्यू निकाल दे और I2 की वैल्यू निकाल दे, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, MV0 by 3, और अब कोई कहता कि I1 की वैल्यू निकाल दो, तो हम कहेंगे -I1 इज MV0 by 3 माइनस MV0, तो I1 आ जाएगा 2MV0 by 3, अगर वो पूछता लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया सिस्टम की, तो मैं कहूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 MV0² माइनस 1/2 3MV0 by 3 का होल स्क्वायर, लॉस भी हुआ होगा क्योंकि ई तो 0 बोल रहे हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो स्टेप्स बोले हैं दोज हेल्प यू, बट दे आर नॉट ऑलवेज, की क्या बोलते हैं, हमेशा उससे निकल ही जाएगा, जैसे इसमें तो ये इक्वेशन लिखे बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, वो तो मैंने जस्ट बकवास करने के लिए किया था कि उसके बाद वो पूछेगा कि हिट करने के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो फिर वो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कैसे निकाल दोगे, वी इज इक्वल टू V1 प्लस G/3 × t, तो V1 क्या रोल प्ले करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का रोल प्ले करेगा आगे के मोशन के लिए, बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्वेश्चन था ना, अभी समझ में आया नहीं है किसी के, ये ऐसे है, ये मास कितना है, 4, ये कितना है, 4, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 4, ये जमीन क्या है, स्मूथ, ये हालत कहां पर है, T0 पे,
ये हालत कहां पर है? टी जीरो पे। सिचुएशन समझ में आई है क्वेश्चन में कि भाई तुम ये बताओ इसकी वेलोसिटी दे दी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी दे दी कम। बात समझ में आ रही है पूर्वी बेटा? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी कम है। रस्सी है ढीली, क्योंकि रस्सी तो स्लैक हो चुकी है, क्योंकि ये तो तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है। तो हम ये कहेंगे रस्सी ढीली हो रही है, इसकी कुछ और ये फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हो सकता है कुछ टाइम में ये इतना आए, और क्योंकि रस्सी ढीली है ये फ्री फॉल कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन जी है, इसकी हाँ जी ही है, क्योंकि टेंशन तो है नहीं। अरे तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही तो पूछना सीखो यार। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी कभी ना कभी बढ़ते बढ़ते हो जाएगी चार। इसकी तो चार हमेशा ही थी, लेकिन जब तक इसकी चार हुई ये कम गया होगा, ये ज्यादा गया होगा, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट होते होते चार गया है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चार गया है, तो ये एक्सेलरेट होते होते उसकी वेलोसिटी चार हुई है, तो ये तो कम गया है और ये ज्यादा चला गया। इसका मतलब ढीलापन अभी रस्सी में बरकरार है, रस्सी अभी भी ढीली बैठी है, क्योंकि ये गया कुछ डिस्टेंस तो ये गया ज्यादा डिस्टेंस। तो फिर रस्सी टाइट कब होएगी? जब डिस्प्लेसमेंट सेम मानोगे कि कभी ना कभी ये भी एक्स जाए टाइम टी में और ये भी एक्स जाए टाइम टी में, डिस्प्लेसमेंट सेम होएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी होगी चार से। बात समझ में आई या नहीं आई? इनिशियली इसने कहा रस्सी है टाइट, इसने कहा इनिशियली रस्सी है टाइट, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा इसकी कम, तो ये ज्यादा जा रहा है और ये कम गया, ये फ्री फॉल कर रहा है। फिर इसका इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई इसके बराबर, इसके बाद टाइटनेस जो रस्सी में स्लैकनेस मैक्सिमम है यहां तक, जब इसकी वेलोसिटी चार थी इसकी भी चार हुई, तब तक रस्सी में ये मानो स्लैकनेस वॉज इंक्रीजिंग, नाउ द स्लैकनेस वुड बी डिक्रीजिंग एंड स्लैकनेस वुड बी जीरो व्हेन दिस गोज एक्स एंड दिस आल्सो गोज एक्स इन टाइम टी। तो हम ये कहेंगे इसकी इक्वेशन लिख दो, तो क्या कहोगे? एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 5t स्क्वायर, और इससे कह दो x शुड बी 4t, तो ये आ जाएगा 2t इज 5t स्क्वायर, t इज 2 बाय 5 सेकंड्स, t इज 2 बाय 5 सेकंड्स। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब 2 बाय 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकाल लो, इसकी वेलोसिटी आ गई 2 प्लस 10 इंटू 2 बाय 5, ये आ गई 6। तो जब स्लैकनेस जीरो हुई, खत्म हुई स्लैकनेस, रस्सी दोबारा टाइट होने वाली है, उस इंस्टेंट पे ये ऊपर वाला है, ये चल रहा है चार से, रस्सी अभी टाइट होने वाली है और ये चल रहा है छह से। अब लगा झटका, इस पे लगी ऐसे इंपल्स और इस पे लगी ऐसे इंपल्स, और झटका लगने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो गई v और इसकी भी हो गई v। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे? माइनस आई इज 4v माइनस 6v, और इसकी इक्वेशन लिख दोगे आई इज इक्वल टू 4v माइनस 4 इंटू 4। बात समझ में आई या नहीं आई? फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम मान ली, इसकी भी v हो गई और इसकी भी v हो गई झटका खाने के बाद। उसके बाद के मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, बाद का मोशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि अब रस्सी टाइट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगी m2g - t m2a t = m1a। कहां पर? हां सॉरी 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 6 ये वेलोसिटी थी, मास कितना था? 4 इंटू 6 होगा। इसके ऊपर माइनस इंपल्स मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी हो गया। क्या दिक्कत थी? आई निकालना था। एक काम करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2i ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 24
माइनस 16, 16 माइनस 24, 24 माइनस 16 कितना हो गया 8, 8 बाई 2 कितना हो गया 4, इंपल्स आ गया 4, ऑप्शन में था ऐसा, अच्छा इंपल्स आ गया, वेलोसिटी भी तो पूछ सकता है, दोनों को ऐड कर दो यार, ये क्या आ गया 8v माइनस 24, 16, 40, तो v आ गया 5, समझ में आया, ये 4 से चल रहा था, ये 6 से चल रहा था, झटका खाने के बाद ये 5 से चल रहा है और ये भी 5 से चल रहा है, फिर दोनों में क्या, फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g / m1 + m2, उसके लिए u का रोल क्या प्ले करेगा 5,